चौथी बात ये कहते हैं कि ये सीता के स्नान वाले वृक्ष के सहारा में क्यों गया। इसका अर्थ है कि सीता ने इतने दिनों तक वहाँ वनवास व्यतीत किया था, इसलिए अगर ये वहाँ जाके वनवास व्यतीत करेंगे तो इसका छोटा वनवास है 1 साल का। इसका अर्थ है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो ध्यान ये रखें उस कार्य को अच्छी तरह से किसने आगे संपादित किया है, किस जगह पर संपादित किया है। आपको उस व्यक्ति उस जगह इसको आइडियल बनाना चाहिए और वहाँ जाकर आप ये करेंगे तो आप भी क्रिया को संपादित कर सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसलिए इसका उन्होंने उल्लेख कर लिया। और एक और बात इसमें ऐड कर लें आप कि समस्या देने वाला अगर उसकी शक्ति 80% है तो आपको अगर उससे बचना हो तो आपको ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसके पास कम से कम 90% शक्ति हो, क्योंकि समस्या देने वाले की तुलना में समस्या का निदान करने वाला यदि अधिक शक्तिशाली है तो आपके समस्या का निदान हो सकता है। समस्या देने वाला कुबेर है और सीता की शक्ति कुबेर से अधिक है, इसलिए सीता के आश्रम में जाने के बाद, सीता के शरण में जाने के बाद इसकी जो समस्या है वो कम हो जाएगी। इसलिए जब हम व्यवहार में जाएं तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि समस्या जो देने वाला है अगर उसकी शक्ति का मूल्यांकन हम कर लें तो फिर उससे अधिक शक्तिशाली जो है उससे आश्रय ले लें तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। इन सब कारणों से उसने वहाँ पर आश्रम बिताया बनाया और इसके कथन से ये सारे अनेक से डायमेंशन में अर्थ आप निकाल सकते हैं या देख सकते हो। इसमें आगे कहते हैं दूसरे में कि तस्मिन् अद्रौ कश्चित् अवलाभिप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमालिष्ट सानुम वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयं तदर्श। तस्मिन् अद्रौ, अद्री शब्द है, अद्री कहते हैं पर्वत को, अद्रौ सप्तमी एकवचन है, उस पर्वत पर तस्मिन् अद्रौ अवलाभिप्रयुक्तः, अवला यहाँ उस स्त्री का नाम लिया गया है यक्षिणी के लिए है, अवला से अलग अपनी उस स्त्री से वियुक्त होकर के अलग होकर के कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ कहते हैं रिष्ट को, कलाई जो है उसको प्रकोष्ठ कहते हैं, सोने की कंगन जो उसने पहन रखे थे वो कंगन अब ढीला होकर नीचे गिर रहा है। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, वलय कहते हैं रिंग को, जो कड़ा था वो नीचे गिर जा रहा है। वह कामी, सकामी वह जो काम भावना से युक्त व्यक्ति था यक्ष, मासान नित्वा आषाढस्य दिवसे, कुछ महीने बिता करके, कुछ महीने उस पर बिताया और कहता है आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमालिष्ट सानुम, आषाढ़ महीने के पहले दिन में मेघ को, उस चट्टान को आलिंगन करते हुए देखा। मेघ जो था जिस पर्वत पर बैठा हुआ था ये आश्रम बनाकर, उस पर्वत पर वह मेघ उमड़ता हुआ आलिंगन करता हुआ दिखाई दिया। उस मेघ को आता हुआ उसके ऊपर देखा, कैसा मेघ था उसके लिए वर्णन किया है, वप्र क्रीड़ा गज परिणत गज इव प्रेक्षणीयम, हाथी के समान देखा। कैसा हाथी, तो जो वप्र क्रीड़ा में बदला हुआ था। वप्र क्रीड़ा कहते हैं कि अगर कोई हाथी सांड भैंसे ये यदि किसी मस्त होकर के मस्ती में जब किसी मिट्टी के टीले को अपने सींगों से उड़ाते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको कहते हैं वप्र क्रीड़ा, मदमस्त खेल। उस मदमस्त खेल के कारण इस तरह से इस आकृति को लेता हुआ उस हाथी को सामने देखा, या हाथी के स्वरूप में मेघ को देखा, ऐसे कह सकते हैं। अब इसको लिंक करके देखो फिर पता लगेगा क्या कहना चाहता है ये। कहा तो वह सामान्य परिस्थिति में थोड़े दिनों तक उस महीने, कुछ महीने वहाँ बिताया, लेकिन जब मेघ दिखा, मेघ दिखने के बाद
इसकी काम भावनाएं और बढ़ गई थी। मेघ प्रेमी प्रेमिका के हृदय को और द्रवित कर देता है, आकर्षित कर लेता है, इसलिए मेघ को देखने के बाद इसकी काम भावनाएं बढ़ गईं। और जब काम भावनाएं बढ़ गईं तो प्रेमिका है नहीं, पत्नी है नहीं, तो इस कारण से उसकी स्थिति बहुत दुखद हो रही थी। उसे मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा था। कैसे कि जैसे वो टीले को मेघ उखाड़ देगा तो टीले पर बैठा हुआ यक्ष की मृत्यु हो जाएगी। वो काम भावना के बढ़ जाने से हो सकता उसकी मृत्यु न हो जाए।